चौक है, ये है बोरी मेला जिसको लोकल भाषा में बोरी का मेला कहा जाता है, और ये वहाँ के आराध्य देव भगवान लाटू देवता जी को समर्पित है ये मेला, और यहीं पे उनका मंदिर है। और इस ये जो मेला होता है ये आपका बैसाख यानी कि अप्रैल माह में हर साल होता है। और ये जो मंदिर है ये है डिस्ट्रिक्ट चमोली ब्लॉक देवाल के वाण गांव में, देख सकते हैं आप यहाँ पे मेला मनाया जा रहा है। गाइज यहाँ जो भी यहाँ के लोग बहुत श्रद्धा भक्ति से मेला भाग लेते हैं, और ये जो लेडीजें अभी कर रहे हैं जेंट्स भी होंगे उसको बोलते हैं झोड़ा, और इसमें गाते हैं और ऐसे करके, और गाइज जो इन्होंने पहना है उसको बोलते हैं खुला कंबल छोड़ा, ऐसे पहना रहता है इन्होंने लेडीज़ों ने। और ये जो है आज की जो नई जनरेशन है जो बेटी बहू है वो नहीं पहन रही हैं, और ये जो हमारे बुजुर्ग हैं वही आज की डेट में पहनते हैं। और अभी ये दास जो है रास लगा रहे हैं, और ये जो खड़े हैं ये इनको लोकल भाषा में डंगरिया कहा जाता है, इनमें से अलग अलग भगवान जी के होंगे, कोई भगवती माँ का होगा डंगरिया और कोई लाटू भगवान जी के होंगे। डंगरिया मीन्स आप ये बोल सकते हैं पुजारी, डंगरिया मीन्स पुजारी होते हैं, और देख सकते हैं। और गाइस वो जो पहना रहता है पाखुला कम्बल, वहाँ के आसपास के इलाकों के लोगों को पता होगा कि ये पाखुला कहते हैं, और बाकी जो नीचे नीचे साइड के होते हैं उनको नहीं पता होता है। गाइज इस दिन तो वहाँ की जो महिला मंगल दल है वहाँ उन्होंने ये नेसेसरी कर दिया है, आवश्यक कर दिया है कि आप जो उस गांव की बेटी बहू हैं मतलब जो शादीशुदा हैं वहाँ रहती हैं उस गांव में रहती हैं उनको ये पिछोड़ा या पाखुला पहनना ही पहनना है उस दिन, ताकि उन्होंने ये कदम इसलिए उठाया अपनी संस्कृति को बचाने के लिए। गाइज ये अब तो होते जा रहे हैं, लोग पसंद नहीं करते, और ये हमें ठंड से भी बचाता है, ठंड के मौसम में पहनते हैं स्पेशली दिसंबर जनवरी में, वहाँ पर बड़ा भी ठंड है। पर अभी देख सकते हैं अभी रास खाने जो है रास लगा रहे हैं, ये हमारे भगवान जी को समर्पित है। जो गाइज इन्होंने ये ड्रेस पहनी है इसको झोली बोलते हैं, दिए जलाते हैं एक ही माचिस से कहा जाता है, ये है सामने देख सकते हैं आप। तो ये जो है पुश्तैनी चली आती है पीढ़ी दर पीढ़ी, ये डंगरिया होते हैं जैसे पहले पापा उसके बाद उसका बेटा उसके बाद उसका बेटा, इस टाइप से होता है गाइस। बहुत कम ऐसा देखा जाता है कि दूसरा कोई मतलब किसी पे वो देवता आते हो, मोस्टली यही होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलता आता है। बात करी और यहाँ पे जो है ये जेंट्स भी हैं, और जिन्होंने ये सिर पे पगड़ी बांधी है ये मेन गिदोर इनको बोलते हैं लोकल भाषा में गिदोर, गिदोर यानी कि ये जो गा रहे हैं उनको गाने वाले, और इनको स्पेशली ये जो बहुत हमारी पुरानी संस्कृति में था वो ये गाते हैं। और
लोगों को पता ही है कि बहुत सारे लोग नहीं आती हैं, हमारी जो पुरानी संस्कृति थी वो हर वो लुप्त होती जा रही है, तो इन लोगों को आती है और ये स्पेशल गिदोर बोला जाता है। गाने वाले जो हैं ये गा रहे हैं, बाकी लोग रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पर एक साइड लेडीज ही लगी है, इनको झोड़ा बोला जाता है, झोड़ा लगाना। और ये इन्होंने जो छोड़ा या पिछोड़ा मीन्स पाखुला पहना है, ये वहाँ की उसी गांव की यानी कि वाण गांव की औरतें होंगी, शादीशुदा बहुएं होंगी, उनके लिए कंपलसरी होता है। गाइस देख सकते हैं बहुत ही अच्छा उनका नज़ारा है, बहुत शांत यहाँ का वातावरण। गाइस यहाँ बहुत भीड़ रहती है, सुबह से ही लोग दूर दूर से आते हैं, स्पेशली उस साइड के जिन जिन लोगों को पता होता है बहुत श्रद्धा भक्ति से मंदिर में आते हैं और भेंट लगा के चले जाते हैं। गाइस ये है गेट, देख सकते हैं श्री सिद्धपीठ लातू जी, ये यहाँ से देख सकते हैं नीचे छोटे छोटे स्टॉल, और यहाँ का प्रकृति का नज़ारा ही देखो कुछ और ही है। गाइस यहाँ पे कितना सुंदर दृश्य है, देख सकते हैं प्राकृतिक सुंदरता इस गांव में। और ये यहाँ पे जो ये दिख रहे हैं ये है GNBN के बंगले, यहाँ पे स्टे का भी है, उन्हीं के बंगले हैं यहाँ पे दो, ये गढ़वाल विकास निगम के बंगले हैं। और ये देख सकते हैं छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए हैं, दुकानें लगी हुई हैं, ये गढ़वाल विकास निगम का बंगला है गाइस। यहाँ पे आप स्टे भी कर सकते हैं अगर आप आना चाहते हैं। और गाइस जितना मुझे पता है उतना मैं आपको बता रही हूँ, बाकी यहाँ के लोग का था बहुत सारी हैं, बहुत हर एक मंदिर या हर एक संस्कृति की अपनी एक अलग ही कहानी होती है गाइस, तो जितना मुझे पता है मैं आपको उतना ही बता पा रही हूँ। और गाइस आप मंदिर कभी भी आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेला बैसाख में यानी कि अप्रैल में ही लगता है, बाकी आप और दिन भी आ सकते हैं, आगे पीछे आ सकते हैं भेंट लगाने के लिए, दर्शन करने के लिए। तो 12 महीने 27 डेज आपके लिए रास्ते खुले हैं। गाइस ये मेले का मुहूर्त निकाला जाता है अप्रैल, कभी स्टार्टिंग में कभी लास्ट में, और ज़्यादा लेट हुआ तो कभी 1-2 मई को, 3-4 मई को ऐसा भी चले जाता है। तो यानी कि ये तो कन्फर्म है अप्रैल और मई में ही ये मेला लगता है। और गाइस जिस दिन भगवान श्री लाटू देवता जी के कपाट खुलते हैं, गाइस टाइम के साथ मंदिर में काफ़ी चेंजेस हुए हैं, और ये तो होता ही है, टाइम के साथ चेंजेस होना भी ज़रूरी होता है। और यहाँ मंदिर में भी बहुत चेंजेस किए गए हैं टाइम के अकॉर्डिंग। और मंदिर तक रोड है, मंदिर से थोड़ा नीचे रोड जाती है, अगर जो लोग गाड़ी से आना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि गाड़ी की रोड जाती नहीं जाती, तो कुछ मीटर नीचे गाड़ी की रोड है। और वैसे तो गांव के लोग तो पैदल ही ज़्यादा जाते हैं, और गांव से रोड भी जाती है, कुछ मीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा, ज़्यादा दूर नहीं गाइस, बाकी रोड भी जाती है, आप गाड़ियाँ भी ला सकते हैं, ऊपर मंदिर के थोड़ा सा नीचे है।
बच्चे हैं गाँव के, कहीं ये तो नहीं है रेड वाला। सफाई वगैरह करेंगे, लास्ट में जाएंगे सारी सफाई करके। एक हालांकि एक ही दिन में पूरी सफाई नहीं होती, और भी आएंगे सफाई करने, जब उनको निकाल लेंगे उस दिन सफाई करेंगे। खत्म हो गया मेला, मेला खत्म हो गया, सबके साथ